वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति को सौंप पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के MLC और शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद करने वाले हमारे नेता डॉक्टर नौल किशोर यादव जी के पास हम लोग आए हुए हैं और इनसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रारंभिक सभी नियोजित शिक्षक आज हड़ताल पर चले गए, उनके बारे में क्या आपकी राय है? इसमें तो आम राय, जो पहले तो यह बात की जो शिक्षकों का राय है वही हमारा राय है। ये शिक्षक सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक शिक्षकों के आत्मसम्मान जागृत नहीं हो तब तक गांव, गरीब, किसान और अंतिम पंक्ति पर रहने वाले बच्चों को जो संवारने की जिम्मेवारी मिली है वो बेहतर नहीं संवारा जा सकता है, क्योंकि इसमें बड़े लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए बड़े लोग इस पीड़ा को नहीं समझते हैं। हर हाल में शिक्षकों को सम्मान के साथ समान काम का समान वेतन मिलना ही चाहिए। जब इस राज्य में सब चीज़ के विकास होंगे, विकसित बिहार की बात करते हैं, समृद्ध बिहार की बात करते हैं, उन्नत बिहार की बात करते हैं, तो शिक्षक ही सिर्फ नीचे रहेंगे, वो उन्नत नहीं होंगे। शिक्षक को उचित तनख्वाह नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, यह कभी भी भारत के संविधान अलाउ नहीं करता है और हर हाल में उनको मिलना ही चाहिए। और सरकार से बार बार हम लोग अपील भी कर रहे हैं, सदन से सड़क तक, और आपको मिलेगा ही। और संघर्ष करने वाले साथियों को मेरा पूरा पूरा समर्थन है, आप जहां तक लड़ाई लड़ेंगे मैं आपके साथ हूँ, आपके इस आत्मसम्मान भरी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी बात है कि आप तो संघर्ष से ही आप आज यहाँ पहुँचे हैं, आप सत्ता में रहते हैं, उसके बाद विपक्ष में भी रहे, तो अभी आपकी वही अंदाज है और आज भी अंदाज है। लेकिन एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पटना हाईकोर्ट में एक हड़ताली शिक्षक के द्वारा याचिका दायर किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी वार्ता हो, जो भी बेनिफिट मिले, सिर्फ हड़ताली शिक्षकों को ही मिले, जो हड़ताल पे नहीं गए शिक्षक उसको, उसके बारे में चर्चा न किया जाए। निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय में जो पिटीशन दायर होता है उसमें जो जिनके नाम इनरोल होते हैं उन्हीं को मिलता है, तो जो शिक्षक स्ट्राइक पर नहीं रहेंगे उनको बेनिफिट तो सरकार भी नहीं देगी। सरकार तो चाहती है कि कम से कम लोगों को हमको पैसा देना पड़े, तो सरकार जो डिमांड नहीं किए हैं उनको क्यों देगी? नहीं ही मिलना चाहिए। जो स्ट्राइक पर नहीं गए हों उनको कौन आधार पर? और जब माननीय उच्च न्यायालय में स्ट्राइकर का जब नॉमिनेशन हो रहा है, जब अपना इनरोलमेंट करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार वही करेगी जो माननीय उच्च न्यायालय में आपने दायर किया है। और जो स्ट्राइकर गए ही नहीं उनको पैसा लेने का सवाल कहा? उनको तो पैसा है, इसीलिए स्ट्राइक पर नहीं गए हैं। और अभी लगातार सरकार के द्वारा ये भी लगातार न्यूज मीडिया में दिया जा रहा है कि 48 शिक्षकों पर हम अगर ये वापस नहीं आते हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, जबकि पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी मुखिया हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला परिषद अध्यक्ष हैं, नगर परिषद नगर निगम के अध्यक्ष हैं, वो लिख के दे रहे हैं कि सरकार इनकी बातों पे बात करे, उसके बाद ही कुछ करेंगे हम, तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई के बारे में सरकार अपने तरफ से लगातार बोल रही है, उसमें आप लोगों का क्या इसमें विचार है? देखिए, सबसे पहली बात कि भारत के संविधान में यह कहीं नहीं कहता है कि जो भारत में शिक्षक हो जाएंगे, बिहार में शिक्षक हो जाएंगे, वो भारत के सब संवैधानिक अधिकार उसके सीज कर लिए जाएंगे। यह कोई भारत के संविधान और मूल अधिकार में ये बात नहीं है। स्ट्राइकर जो राज्य में पलने और पल्लवित होने वाले लोग हैं अपनी बात सरकार से कहते ही हैं, और उनको टॉर्चर जो करने का तरीका है वो गलत है। कल भी सदन में हम लोगों ने जोरदार तरीके से ये बात को सरकार के कान में दिया है और सरकार ने कमिट किया है कि नहीं, हम दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे और बुला के बात करेंगे। हम लोगों ने कहा है कि उनके जो खंड खंड में जो न्यूली टीचर के जो शिक्षक नेता हैं उनको आप पत्र लिख के आमंत्रित करें और उनके साथ नेगोशिएशन करें। और मुख्यमंत्री ने भी सदन में नेगोशिएशन करने की बात कही है, सदन में कहा है कि हम उनको तनख्वाह में बढ़ोतरी करेंगे। और जब आपके नेता बैठेंगे
तब उससे निगोशिएशन करेंगे और इस दंडात्मक कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला है। शिक्षक ईंट से ईंट बजा देगा, शिक्षक पढ़ाने का काम करता है, लेकिन अगर शिक्षक विद्रोही हो जाए तो उस राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना होता है। शिक्षकों को विद्रोही सरकार नहीं बनाएगी, नहीं बनाना चाहिए, वरना शिक्षक विद्रोह कर देंगे तो इसके खामियाजा इस राज्य को बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। नवराज जिंदाबाद, जिंदाबाद, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।